नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी का Data 24/7 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन की क्लास की, बट उसके पहले एक बार सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे और जहां तक आपकी रीच है, जिस ग्रुप में आप एक्टिव हैं, जहां तक आप इसे शेयर कर सकते हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, वो काफी शानदार और जबरदस्त होने वाली है। मजा आ जाएगा आज के सेशन में। प्रैक्टिस सेट वन है। देखो, अगर मैं बात करता हूं रेलवे ग्रुप डी वालों, ये एक ऐसा सेशन होगा आप लोगों के लिए, ये एक ऐसा सेशन होगा आप लोगों के लिए जो एक्चुअल में आपको आपकी कहते हैं ना, देखो जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं, नो डाउट कराते हैं, लेकिन ये आपको एक्चुअल एग्जाम वाली फीलिंग यहां से आपको आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम में बैठे हैं, एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जाम के माध्यम यहीं पर, अगर आपने यहां पर अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको अच्छा स्कोर कराने, टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करने, एक्यूरेसी बढ़ाने, स्पीड बढ़ाने, ये केवल और केवल आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मैं और आप खुद स्पीड टेस्ट लगाकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। एक बार जल्दी सभी लोग बताइए यस सर रेडी, एक बार जल्दी से सभी लोग बताइए यस सर रेडी। पीडीएफ के बारे में मैं अभी इंडियन आर्मी भाई, मैं अभी आपको पीडीएफ के बारे में बता दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ के बारे में आपको जस्ट अभी बता दूंगा। ठीक है, आर एस सर एक रिकॉर्डेड लिख रहे हैं भाई, मतलब क्या मैं बोलूं इनके लिए, कोई शब्द नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट वन है, आज सेट नंबर वन है। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो बेहतरीन तरीके से, क्या बेहतरीन तरीके से मेरे भाई आज के सेशन का इसको परफॉर्म करते हैं, और देखते हैं बताइएगा कितना आपने स्कोर किया, क्या आपने स्कोर किया। चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी स्टूडेंट, जितने भी लोग मुझे यहां पर देख रहे हैं, एक बार जल्दी से क्या करें, एक बार सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस, आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें, कभी कोई क्लास आपकी मिस ना हुआ करे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, क्लास की। तो क्या पहला क्वेश्चन लाया जाए, एक बार जल्दी सभी लोग बताइए क्या पहला क्वेश्चन लाया जाए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। एक बार जल्दी से सभी लोग शेयर करिए, तो फिर हम पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए और आपके सेशन की आज की डिस्कशन स्टार्ट की जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और टाइमर आपका स्टार्ट। पहला क्वेश्चन बच्चे आपके सामने और टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए 200 की स्पीड में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने और टाइमर आपका स्टार्ट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 25:24, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखो बच्चों आपको दिया क्या गया, आपसे कह रहा है कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है। कहोगे सर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 25:24 है, 25:24 क्या है, 24 है। और आपसे कह रहा है कि सर ये बताइए डिस्काउंट कितने प्रतिशत का। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो देखो ऐसी कंडीशन में ये जो 25 है, ये 25 मार्क प्राइस है, ये 24 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ये 25 मार्क प्राइस है, ये 24 क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपसे कह रहा कि सर ये बताइए डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है। भैया एक रुपए का डिस्काउंट है भाई, देखो 25 की चीज अगर आप 24 पर बेच रहे हो तो एक रुपए का डिस्काउंट है कितने पर, 25 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा, तो आप इजिली 25 × 100 यानी 4% का मेरे भाई डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है, 4% का डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से बताइए सर, क्लियर। चलिए हो गया नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने एंड टाइमर आपका स्टार्ट। उड़ाइए, उड़ा दीजिए, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना, सिंपल तरीका। जो चीजें मैंने आपको बताई बस उन्हीं को, हाँ आर एस भाई कब तक रिकॉर्डेड लिखोगे, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट को केवल डिस्ट्रैक्ट ही करना आपका माध्यम है तो आप, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। अगर आपकी आपका मैंने रिकॉर्डेड वाला कमेंट देखा तो डेफिनेटली मैं आपको ब्लॉक करूंगा।
ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। जैसा जैसा ब्रैकेट कह रहा है एज इट इज परफॉर्म करते हैं, एज इट इज करो। देखो 3 1 3 -1 कर दो, कितना आएगा 2/3। 3 1 3 -1 कर दो, 3 1 3 -1 कर दो 2/3। 4 1 4 -1 कर दो, कितना आएगा 3/4। आगे सॉल्व करते हैं इंटू 5 1 5 -1 कर दो, कितना आएगा 4/5। एंड एज इट इज आगे गए और ये कितना हो गया 900 -1 कितना हो गया 100 -1 हो गया 99 अपॉन 100। बोलो क्लियर कि निकला 99 अपॉन 100। बोलो क्लियर कि निकला, क्या इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। चलो बहुत ध्यान से देखो, देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा, ये 5 यहां पर लिखे नंबर से कैंसिल होगा। अब यहां पर ये चाह जाती कि सर 99 कैंसिल होगा या 100 कैंसिल होगा, इसमें से सर हम कैंसिल किसको करें, 99 या 100 को किसको कैंसिल करें। देखो अगर यहां पर ऊपर वाला टर्म रह रहा है, अगर यहां पर ऊपर वाला टर्म रह रहा है तो इधर नीचे वाला टर्म, ये जो 99 है वो यहां पर लिखे टर्म से क्या होगा कैंसिल होगा, जो 99 है यहां पर लिखे टर्म से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, कहोगे सर फाइनली यहां पर बचेगा 2 और नीचे बच जाएगा कितना 100। तो सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपॉन कितना आ गया, कहोगे सर 1 अपॉन 50 क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 1 अपॉन 50 क्या है इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 2 3 4 5 गिव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल प्राप्त हो। देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाए। सबसे पहले आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया क्या हो कट जाए। तो कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखो, तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या इन सभी संख्याओं का एलसीएम होगी। अब एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, एलसीएम निकालने की ट्रिक क्या होती है, हमेशा सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मानते हैं। तो 5 को एज इट इज उठा के लिख लो, फिर मैंने क्या किया 4 को मैंने क्या किया, अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 का मतलब होता है 2 into 2, अगर 4 के फैक्टर करूं तो कितना आएगा 2 into 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2 into 2 और फिर मैंने 3 लिख दिया। तो एलसीएम 5 × 10 × 20 × 60, 60 क्या है, 60 मेरे भाई क्या है, 60 मेरे भाई वो संख्या है, 60 वो संख्या है जो 2 3 4 और 5 से पूर्णतया कट जाएगी। 60 क्या है, 60 मेरे बच्चे वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाएगी। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एक रिमाइंडर चाहिए। तो जो संख्या होती है, जो संख्या होती वो क्या होती, जो संख्या होती वो होती है एलसीएम और प्लस कर दो रिमाइंडर। एलसीएम कितना है 60 और रिमाइंडर कितना चाहिए 1, यानी संख्या क्या होगी 61 होगी। 61 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी 61, ठीक है ठीक है ठीक है, 61 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखो मैं एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो रिकॉर्डेड लिखते हैं केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, क्या कहा जाता है मैं इनके लिए कैन वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं। तो प्लीज आप लोग ही इनको देखें, हमें पढ़ाने दें, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर 490 रुपए में एक काम कर सकते हैं, मतलब ए बी सी मिलकर 490 रुपए में ठेका ले लेते हैं काम करने के लिए, ठीक है। आगे देखो, ए और बी एक साथ काम का 5/7 भाग करें तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए और बी ने मिलकर 5/7 भाग किया है तो बताओ सी का हिस्सा कितना। देखो करने का तरीका क्या होता है, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी ट्रिक बच्चे ये होती है, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ए और बी, इन दोनों की बात करें, ए और बी मिलकर 5/7 काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो 7 होता है ये टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है बच्चे, टोटल वर्क होता है। कोई पूछे टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर टोटल वर्क हमारा कितना है 7 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है, कहोगे सर 7 यूनिट है। अब एक तरफ कर दो ए बी सी, अब देखो टोटल वर्क 7 यूनिट है, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 7 में से, ए और बी मिलकर देखो टोटल 7 है, ए और बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि सर ए और बी मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो बताओ सी कितना करेगा। टोटल 7 है, ए और बी ने मिलकर 5 काम कर दिया तो सी कितना काम करेगा, सी बच्चे 2 काम करेगा, सी कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये आ गया इनका कार्य, और जिस जितना आप कार्य करते हैं,
जितना बेटे आप कार्य करते उसी रेशियो में पैसा वेजेस डिवाइड होती, मजदूरी डिवाइड होती, ठीक है। यानी ये जो 490 हैं ये ए बी सी में 5 और 2 के अनुपात में बटेंगे, यानी इनके रेशियो का सम कितना होगा 7। 7 की वैल्यू 490, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 7 × 7 = 49, 70 रुपए। 1 की वैल्यू 70 रुपए, तो 2 का 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 × 70 यानी कितना होगा 7 × 2 = 14, 140 रुपए। यानी सी का हिस्सा कितना होगा 140 रुपए, यानी सी ऑप्शन, सी का हिस्सा कितना होगा 140 रुपए होगा। लेकिन अगर कह देता ए और बी ने मिलकर कितना कमाया, तो ए और बी ने मिलकर 5 यूनिट कमाया है, कितना हो जाएगा 5 × 70 कर दो, 7 × 35 350 रुपए। लेकिन हम ए और बी में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे यहां पर। चलिए आगे मूव करते हैं इसी के साथ, नेक्स्ट करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फास्ट। चलिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए चलिए, हमें सिंप्लीफाई करना। देखो मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो, जब भी कभी इस टाइप की फ्रेमिंग आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है। देखो जब भी कभी इस टाइप की फ्रेमिंग आपको देखने को मिल जाए तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है वी बी ओ डी एम ए एस। वी फॉर होता है वेनाकुलम बार यानी लाइन ब्रैकेट, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, ठीक है, बी फॉर क्या होता है ब्रैकेट, ओ फॉर क्या होता है ऑफ, डी फॉर क्या होता है डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और इसको हम ऊपर से नीचे फॉलो करते हैं, ठीक है, बोलो करते कि नहीं करते। देखो यहां पर डिवाइड और ऑफ एक साथ आए, तो डिवाइड और ऑफ में हमेशा ऑफ ऊपर आता है, तो पहले हम ऑफ को परफॉर्म करते, ऑफ को सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है। पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 34 डिवाइडेड बाई डिवाइड 7 × 2 कितना हो गया 17 × 2 = 34 हो गया 34, और प्लस कितना हो गया 5। जब आप 34 को 34 से डिवाइड करें कितना आएगा, कहोगे सर 1, और ये हो जाएगा 5, 5 और 1 कितना होगा 6, तो 6 मेरे भाई इस क्वेश्चन क्या है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। लव यू फ्रॉम राजस्थान, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू, लव यू टू। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी वालों, वेरी वेरी चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चे कह रहा है एक दुकानदार 9 वस्तु बेचकर 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 9 वस्तुएं बेचकर 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी ट्रिक सिखाता हूं आपको, सिंपल तरीका क्या है इसको करने का। 9 वस्तुएं बेचकर कितनी, 9 वस्तु बेचकर मान लो 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 रुपए होगा। अगर 1 वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 रुपए होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 9 रुपए। 9 रुपए में बेचने पर 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। यानी 9 रुपए में बेचने पर आपका प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट हो रहा है 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 1 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 1 वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो प्रॉफिट कितने का, 1 रुपए का। अब हम आपसे पूछे कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, 9 रुपए पे बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, 9 रुपए पे बेचने का 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट कितनी होगी 9 - 1 कितना होगा 8, 8 रुपए बच्चे आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई, 8 रुपए बच्चे क्या आ गई आपकी, कॉस्ट आ गई। यानी 8 रुपए की चीज अगर 9 पे बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। अब आपसे कह रहा कि सर बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है, 1 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे, 8 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा, 100 पर कितना होगा 12.5%। इसे 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, क्लियर। अरे बोलो एक बार जल्दी से बताइए सर क्लियर। चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए चलिए, क्लास अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर करते हुए चलिए, और बिल्कुल भरोसा रखो कि भाई कुछ भी हो अक्षय सर पे भरोसा है तो सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने आपको
पूरा का पूरा ये जितना भी कहते हैं रिकरिंग डेसिमल वाला क्वेश्चन होता है तीन टाइप में फिनिश कर दिया था, पूरा का पूरा रिकरिंग डेसिमल बच्चे आपको मैंने तीन टाइप में फिनिश कर दिया था। बोलो कहा था कि नहीं किया था? मैंने आपसे कहा था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, याद रखना जीरो पॉइंट पी है ना और इसके ऊपर बार लगाए तो हम इसे लिखते हैं पी अपॉन नाइन। अच्छा जीरो पॉइंट पी क्यू है, जीरो पॉइंट पी क्यू है और दो संख्या के ऊपर बार है तो हम इसे पी क्यू अपॉन 99 लिखते हैं। यानी बेसिकली जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हम उतनी बार 9 को नीचे लिखते हैं। बोलो टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल बिल्कुल डाल देते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलो। तीसरा क्या होता है जैसे जीरो पॉइंट पी क्यू आर है, ठीक है तो यहां पर अगर यहां पर केवल पी और क्यू और आर पर है तो हम इसे लिखते हैं पी क्यू आर, जिसके ऊपर नहीं उसको माइनस कर देते, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतनी बार 9 और जिसके ऊपर नहीं उसके ऊपर 0। ये करने का तरीका होता है, ये करने का तरीका होता है। तीनों टाइप बता दिए। इसे क्या लिखोगे? इसे लिखोगे 2 अपॉन 9, इसे क्या लिखोगे 5 अपॉन 9, इसे क्या लिखोगे 7 अपॉन 9 और इसे कितना लिखोगे 8 अपॉन 9, 8 अपॉन 9। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 8 अपॉन 9 बोलो क्लियर। एलसीएम कितना है क्वेश्चन 9, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8, ठीक है तो ये कितना होगा 8 7 15 5 20 और 2 कितना होगा 22 डिवाइडेड बाय 9। अब हमें क्या करना है इस पूरे को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इस तरीके से 9 दुनी 18, 18 और 4 कितना होगा 22 बटे 9, क्या होगा 9 दुनी 18, 18 4 22 बटे 9। तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 2.4 और 4 के नीचे 9 है ना तो 2.4 के ऊपर क्या लग जाएगा बार, तो 2.4 के ऊपर बार यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए क्लियर कि नहीं क्लियर? बहुत शानदार बहुत शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा एक पंखा 37.5% की छूट पर बेचा जाता है, यानी एक पंखा 37.5% की छूट पर बेचा जाता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 7200 रुपए है तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? बताइए तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी फास्ट, ठीक है जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, लव यू टू मेरे भाई। चलिए पढ़ते रहिए। देखो सबसे पहले देखो हमसे कह रहा है कि पंखे को 37.5% की छूट पर बेचा जा रहा है, 37.5, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप बताओ कमेंट करके? 3/8 होता है, बोलो होता कि नहीं होता है? मैंने आपसे कहा ये जो 8 यूनिट है इसे आप मार्क प्राइस कैलकुलेट करें, ये मार्क प्राइस है, ये क्या है मार्क प्राइस है। अगर 8 रुपए मार्क प्राइस है 8 का 37.5% निकालो, 8 रुपए मार्क प्राइस है 8 का 37.5% निकालो, ये जो 3 यूनिट है ये बच्चे आपका क्या कहलाएगा? कहोगे सर ये 3 यूनिट बच्चे आपका डिस्काउंट कहलाएगा, ठीक है। ये अगर 8 यूनिट, ये 8 यूनिट मार्क प्राइस है 8 का 37.5% निकालो, 3 यूनिट बच्चे क्या करेगा डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 की चीज है 3 का डिस्काउंट, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 8 - 3, सेलिंग प्राइस कितना होगा 5 यूनिट होगा। हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। आपको गिवन क्या है? आपको पता है कि मार्क प्राइस कितना है 7200 रुपए, यानी मार्क प्राइस कितना 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे सर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? ₹7200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8 × 72 यानी ₹900। तो यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4500 रुपए, 4500 रुपीज, 4500 रुपीज यानी ए ऑप्शन, 4500 रुपीज यानी ए ऑप्शन। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है एक बार जल्दी से बताओ यस सर क्लियर, एक बार जल्दी से मुझे बताओ यस सर क्लियर। ठीक है बिल्कुल सिंपल तरीका है, 37.5% 3/8, 8 की चीज 3 का डिस्काउंट, 5 पर बेच रहे हो, काम खत्म। चलिए नेक्स्ट, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टाइमर आपका स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 45 to 125, मतलब 49 से लेकर 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 49 से लेकर 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे आप बच्चे? देखो करने का तरीका क्या होता है? करने का तरीका यह होता है कि 49 से 125, तो सबसे पहले 49, फिर कितना आएगा कहोगे सर 50, फिर कितना आएगा 51, फिर कितना आएगा कहोगे सर 52, और इस तरीके से हमें कहां तक जाना है? हमें जाना है 125 तक। कहां तक जाना है? 125 तक जाना है, 125 तक जाना है। अब बहुत ध्यान से देखो,
यहां पर देखो अंतर कितने का है, कहोगे सर एक का है। यहां पर अंतर कितने का है, कहोगे सर एक का है। यहां पर अंतर कितने का है, कहोगे सर एक का है। बोलो क्लियर की निकले। यहां पर अंतर एक है, यहां पर अंतर एक है, यहां पर अंतर एक है। बोलो क्लियर की निकले। यानी सभी जगह डिफरेंस कैसा है, अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डिफरेंस कैसा है, तो कहोगे सर डिफरेंस हमारा सेम है। डिफरेंस कैसा है, कहोगे सर सेम है। अगर बच्चे डिफरेंस सेम है, एक समझो अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज निकालने की ट्रिक क्या होती है, एवरेज निकालने की ट्रिक होती है फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू। ये कब होता है, जब ये डिफरेंस क्या हो सेम हो। तो फर्स्ट टर्म कितना है कहोगे सर 49, लास्ट टर्म कितना 125 डिवाइडेड बाय टू। 9 और 5 कितना हो गया 14, यानी 4 कैरी वन हो गया, कैरी वन हो गया। 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, यानी डिवाइडेड बाय 2, 2 8 16, 16 हो गया, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14, यानी 87, 87 क्या है करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 87 इज योर करेक्ट आंसर, 87 इज योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बात मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। देख, जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं ना उनको केवल उतना ही मिलता है, जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। अब सोचो किसी ने खाकर छोड़ दिया, उसका क्या मतलब है। मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं उतना ही केवल किस्मत पे भरोसा करने वालों को मिलता है। अब आप समझ लो, अपना आप सोच लो कि आप क्या हो, आपको मेहनत करनी है या किस्मत पे भरोसा करके बैठे हो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है टोटल ना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा रिकॉर्डेड है ना क्लास, हाँ बेटे रिकॉर्डेड है, तुम ना पढ़ो, तुम जाओ, तुम पहली फुर्सत में निकल जाओ, ठीक है रिकॉर्डेड है बेटे, तुम निकल जाओ, छोड़ो। हाँ, अब बताओ देखो हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने। अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आपको क्या करना होगा, पूरे के पूरे जो भी आपके नंबर्स दिए इनको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना होगा। किसमें, प्राइम नंबर्स में। कैसे लिखेंगे बहुत ध्यान से देखो, जैसे 4 है, 4 को बच्चे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर 11, यानी कुल मिला के कितना होगा 11 × 2 कितना होगा 22 इंटू 5 की पावर 5, 5 पहले से प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 13 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब इसको तो मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2 और पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई 2 की पावर 22 हो गया। 5 पहले से प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 13 भी प्राइम नंबर है, ये सब पहले से प्राइम नंबर है कि नहीं है। कहोगे सर एडवांस बिल्कुल है, क्वेश्चन है। अब आपसे कह रहा कि सर एक बताओ टोटल प्राइम फैक्टर कितने, टोटल प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कितने। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स अगर आपको निकालने तो आप कैसे निकालोगे, यहां पावर कितनी है 22, यहां कितनी है 5, यहां पर कितनी 2 और फिर 2, तो 22 और 5 27, 2 29 और 2 कितना 31, 31 प्राइम फैक्टर है। कितने, 31 प्राइम फैक्टर है, ऑप्शन नंबर बी 31 प्राइम फैक्टर है। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब आपसे पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए, ये किससे, निम्न में से कौन से पूर्णतया विभाजित होगा, पूरी तरीके से विभाजित होगा। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है बताइए इसमें से किस एक नंबर से पूर्णतया विभाजित होगी, किस एक नंबर से पूर्णतया विभाजित होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो 3 की पावर 93 है, 3 की पावर 93 ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी मैक्सिमम पावर, जैसे 90, जो भी आपकी मिनिमम पावर 93 आपकी मिनिमम पावर, जो भी मिनिमम पावर उसे कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, तो यहां से 93 पावर चली जाएगी तो 3 की पावर कितना बचेगा 0, यहां 94 पावर है, 93 चली गई कितना पावर रह गई 1, यहां पर कितना रह गई, क्योंकि सर यहां पर 2 पावर रह गई, 2 पावर रह गई, यानी कुल मिला के कितना होगा 3 की पावर कितना होगा 93, यहां पे किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती 1, 3 की पावर 1 कितना होगा 3 और 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 9 1 10, 3 की पावर कितना होगा 93, 9 और 1 10 3 13, यानी संख्या 13 से पूर्णतया विभाजित है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 13, यानी ऑप्शन नंबर ए पूर्णतया विभाजित है। हाँ कुछ लोग 9 भी आंसर कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं यार मेरे भाई,
चलिए नेक्स्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2497 में जोड़ा जाए कि योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या जिसको 2497, ठीक है, 2497 में जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो संख्या ज्ञात करते हैं जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाए। सबसे पहले आप वो संख्या ज्ञात करो जो 5, 6, 4 और 3 से कट जाए। तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या होगी इनका एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने कहा 4 के फैक्टर कर दो, 4 के फैक्टर में लिख दूंगा 2 गुणे 2, उसके बाद मैंने लिख दिया 3 और फिर क्या लिख दिया 5, सब कुछ लिख दिया। 5 × 15 × 30 × 2 कितना हो गया 60। 60 मेरे भाई क्या है, 60 मेरे भाई इन 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम है। इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना है, कहोगे सर 60 है, यानी 60 मेरे बच्चे क्या है, 60 वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतया कट जाएगी। अब आगे की ट्रिक समझो, आगे की ट्रिक क्या है, यहां पर आगे की ट्रिक की कहानी सुनो। अब क्या करते हैं, जो भी नंबर जैसे ये 2497 दिया गया, इसको एलसीएम से डिवाइड करो, 2497 इसको आप एलसीएम से डिवाइड कर दो। एलसीएम कितना है 60, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4×6=24 यानी 240, कितना बचा 9, यहां पर मैंने 7 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, एक बार और चला गया, एक बार और चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60, कितना बचा 7 और 9 में से 6 गया, कितना है 3, 37। ये मेरे भाई 37 क्या है, 37 ये 37 बचा। अगर हमसे कहता, दो चीजें होती हैं यहां पर, अगर बच्चे वो हमसे कहता कि यहां पर जैसे ये लिखा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, अगर वो हमसे कहता क्या घटाया जाए, अगर वो हमसे कहता सर क्या घटाया जाए कि संख्या डिवाइड हो जाए, तो अगर मैं ये 37 हटा देता तो प्राप्त संख्या 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतया विभाजित होती, यानी 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित होती अगर मैं ये 37 हटा देता। लेकिन अगर घटाने के लिए कहता तो मैं 37 घटाता, लेकिन हमसे कह रहा कि क्या जोड़े कि संख्या क्या हो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना है कि ये इसको 60 बनाना है। अगर ये 37 की जगह, इस 37 की जगह अगर 60 लिखा होता मेरे भाई, अगर 37 की जगह 60 लिखा होता तो प्राप्त संख्या, अगर 60 लिखा होता तो ये 60 से कट जाता, यानी मुझे इसको 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए इसमें कितने की कमी है, तो 60 बनाने के लिए कितने कमी, 10 में से 7, 3 गया, 7 गया कितना 3, और 5 में से 3 गया कितना 2, 23, कितने कमी 23। अगर हम इसमें 23 और जोड़ दें, अगर हम इस संख्या में, ठीक है, 23 और जोड़ दे तो प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी, 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। अगर जोड़ना है तो 23 और घटाने को कहता तो 37 घटा देते, अगर घटाने के लिए कहता तो केवल 37 घटाना था, क्लियर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ज्ञात करो, देख लेना। कह रहा 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिलती है, अगर 3 वस्तुएं आप खरीदने गए तो आपको 1 वस्तु मुफ्त दे दी जाती है, तो बताओ कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है। अगर 3 वस्तुएं आप खरीद रहे हो तो 1 वस्तु अगर हम आपको मुफ्त मिल रही है दुकानदार के माध्यम से, तो बताओ कितने प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। देखो अगर 3 खरीद, बाई 3 गेट 1 फ्री, 3 खरीदने पर 1 फ्री, इसका मतलब दुकानदार के पास कितनी वस्तुएं होनी चाहिए, 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु और इस तरीके से उसके पास 4 वस्तुएं होनी चाहिए, ये 4 आर्टिकल उसके पास होने चाहिए। अगर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 1 रुपए है तो 4 आर्टिकल का मार्क प्राइस 4 रुपए होगा। कह क्या रहा है, कह रहा है कि दुकानदार के ऑफर करता है कि इन 3 आर्टिकल के लिए पे कर दो, इन 3 आर्टिकल के लिए पे कर दो और ये वाला आर्टिकल मैं आपको फ्री दे दूंगा। क्या इन 3 आर्टिकल के लिए पे करो और ये वाला आर्टिकल क्या मिलेगा, आपको फ्री मिलेगा। इसका मतलब केवल तीन आर्टिकल के पैसे ले रहा ना, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 रुपए, यानी 4 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए की चीज अगर 3 रुपए में बेच रहा है, डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपए का डिस्काउंट है। कह रहा कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है,
तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है ये निकालने के लिए, एक रुपए का डिस्काउंट है कितने पे, चार पे। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है इनटू 100, चार से कैंसिल कर दो कितना है का 25%, यानी 25% का डिस्काउंट है। कितने का? 25% का डिस्काउंट है, यानी डी ऑप्शन। क्लियर? चलिए अभी तक मैंने बिल्कुल एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दो। अब एक बार सब लोग लाइक और शेयर कर दो फिर हम आगे बढ़ें। एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दो फिर हम आगे बढ़ें। चलिए अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक बटन पे हिट कर दो। कह रहा है कि बताओ सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। रेलवे का पेट क्वेश्चन है, आएगा ऐसा क्वेश्चन। कह रहा है कि सर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, रेलवे का पेट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन रेलवे में मिल जाएगा। रेलवे में बेटे ऐसा एक क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेगा। बहुत ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, ये बच्चे पहली संख्या हमसे कह रही है, पहला सॉल्व करो 0.5 का होल स्क्वायर। तो 0.5 के होल स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 इंटू 0.5, यानी सॉल्व करेंगे तो 0.25 ये आ गया। दूसरी संख्या क्या है, अंडर रूट 0.49, हम इसे लिख देंगे 49/100। क्या इस तरीके से लिख सकता हूं, 49 बाहर आएगा तो 700 बाहर आ गया तो 10, यानी 0.7। आगे देखो यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, ये कितना हो गया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, हम इसको क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 8/1000, 8/1000। क्या लिखेंगे, 8 बाहर आएगा 2 दे देगा, 1000 बाहर आएगा 10, यानी 0.2 हो गया। और ये तो 0.23 पहले से लिखा है, तो 0.25, 0.7, 0.2, 0.23 सबसे बड़ी संख्या क्या है। कहोगे सर सबसे बड़ी संख्या 0.7 है, यानी अंडर रूट 49, अंडर रूट 0.49, अंडर रूट 0.49 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अंडर रूट 0.49 क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। चलिए इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये करके दिखाओ, बहुत बढ़िया, कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बच्चे हमसे कह रहा है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 400 रुपए की धनराशि 441 रुपए हो रही है, बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको देता हूं। सबसे आसान तरीका क्या है कि 2 वर्षों में 400 रुपए 441 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं। एक तरफ कर दो प्रिंसिपल और एक तरफ कर दो अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 400 रुपए और अमाउंट कितना है 441 रुपए, यानी 400 रुपए 441 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने समय में, 2 साल में। 2 साल में, अगर 2 वर्षों की बात है, 400 रुपए 2 साल में 441 रुपए में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर 2 साल की बात है तो आप क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अगर 3 साल की बात होती तो मैं क्यूब रूट लेता। तो ये कितना हो गया, 20 से 21। देखो पहले साल 20 से 21 होगा, दूसरे साल 20 से 21 होगा, तब जाके कहीं 2 साल में 400 से 441 हो पाएगा। यानी इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कहोगे सर 1 रुपए ब्याज है, कितने पे, कहोगे सर 20 पर। तो रेट पूछा गया है, 1 रुपए इंटरेस्ट है कितने पर, 20 पर। तो बच्चे 100 पर कितना होगा, 20 × 100, 5% रेट है। 5% बच्चे आपकी रेट है, 5% बच्चे आपकी रेट है। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट एक बार जल्दी से बताओ, यस सर क्लियर, थम्स अप कर दो। बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम कहते हैं ना लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक बंदर 60 मीटर, चलो भैया देखो, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना चाह रहा है। एक मिनट, देखो 60 मीटर ऊंचा खंबा है जिसपे वो चढ़ने की इच्छा रख रहा है। एक मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे खिसक आता है, दूसरे मिनट में नीचे खिसक आता है, तो बताओ वह कितने मिनट में ऊपर चढ़ जाएगा, कितनी देर में बच्चे वो ऊपर चढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चे एडवांस भी कराएंगे, एडवांस भी कराएंगे सौरभ, ठीक है। देखो अब देखो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर बच्चे मैं बात करता हूं तो ये एक मान लो 60 मीटर लंबा खंबा है, 60 मीटर लंबा, कितना 60 मीटर लंबा खंबा है, ये 60 मीटर ऊंचा लंबा खंबा, ऊंचा खंबा है, ये 60 मीटर ऊंचा खंबा है जिस पर बंदर चढ़ने की इच्छा प्रकट कर रहा है। चलो भाई पहले मिनट क्या हुआ, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ गया, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ गया, कितना चढ़ गया, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ गया। अगले मिनट में क्या हुआ, 3 मीटर नीचे आ गया। तो मेरे भाई 6 मीटर चढ़ा, 3 मीटर नीचे आ गया, तो
कुल मिला के कितना चढ़ पाया? केवल 3 ही मीटर जो चढ़ पाया भाई। पहले मिनट 6 मीटर, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ गया, अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ गया, यानी चढ़ा कितना? केवल 3 मीटर चढ़ पाया। कितनी देर में? 3 मीटर की दूरी तय कर पाया। कितनी? 3 मीटर की दूरी तय कर पाया कितनी देर में? 2 मिनट में। 2 मिनट में। अब इसकी ट्रिक नोट करो, इसकी ट्रिक क्या होती है देखो। अब इसकी ट्रिक यहां पर समझो होती क्या है, बताओ बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है? बंदर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। बंदर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, तो ऊपर से 6 मीटर कम कर दो, ये ऊपर से 6 मीटर कम कर दो। अगर आपने 6 मीटर कम कर दिए ऊपर से, तो नीचे कितना बचा? कहोगे सर नीचे हमारे पास बचा 54 मीटर, 54 मीटर हमारे पास बचा। तो पहले बंदर को 54 मीटर चढ़ने दो। कितना चढ़ने दो? 54 मीटर चढ़ने दो। जरा बंदर को पहले 54 मीटर चढ़ने दो। अगर 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट का समय लग रहा, तो 54 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 18 54 मीटर चढ़ गया। कितनी देर में? 18 दूनी 36 मिनट में। 36 मिनट में कितना चढ़ गया? 36 मिनट में 54 मीटर चढ़ चुका है। अभी भी टाइम लगे, अभी अब 54 मिनट यहां पर, 54 यहां पर आके गए, अगले मिनट फिर क्या करेगा? अगले मिनट में ये 6 मीटर चढ़ेगा, और जैसे ही 6 मीटर चढ़ेगा, ये ऊपर यहां पर आके बैठ जाएगा। जैसे 6 मीटर चढ़ेगा तो तुरंत कितना हो जाएगा? 60 मीटर। तो इधर भी 1 मीटर, 1 मिनट ऐड कर दो, कितना है? 36 और 1 कितना होगा? 37 मिनट। तो 37 मिनट में, और जैसे एक बार ऊपर पहुंच गया, फिर थोड़ी ना खिसकेगा। अगर एक बार ऊपर पहुंच गया थोड़ी ना खिसकेगा, तो कितना समय लग रहा? 37 मिनट का समय लग रहा है, 37 मिनट का समय लग रहा है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? सर चैप्टर वाइज कब से स्टार्ट होगी? दिलीप मेरे भाई, चैप्टर वाइज ही तो पढ़ा रहा हूं, केवल सैटरडे ही तो टेस्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। 132 के ऐसे फैक्टर, देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन करने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है? सबसे आसान तरीका यह होता है कि 132 के ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच का अंतर 1 का हो। क्या? इस क्वेश्चन करने की सबसे आसान ट्रिक बच्चे ये होती है कि 132 के, जैसे ये 132 लिखा है ना, इसके ऐसे फैक्टर कर दो जिनके बीच का अंतर 1 हो। जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। हमें क्या करना होता है? जिन ऐसे फैक्टर करने होते हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो। अगर अंतर 1 है तो क्या मैं इसको 12 × 11 लिख सकता हूँ? 11 × 2 = 22, यानी 2 कैरी कितना हो गया? 12 × 12, यानी 2 कैरी 1 हो गया। 12 × 12 = 13, बिल्कुल करेक्ट है, हो गया फैक्टर। कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो साइन किसका है? कहोगे सर साइन प्लस का है। अगर साइन प्लस का है तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है, अगर साइन प्लस का है तो जो बड़ी संख्या होती है वो आंसर होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट। गुड इवनिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 720 है, ऐसे कितने युग्म संभव है? ऐसे कितने युग्म संभव है? यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत मतलब कंजूसी। लाइक और शेयर में कंजूसी, लाइक और शेयर में कितनी कंजूसी, किस चीज की? देखो एचसीएफ कितना है? कहोगे सर एचसीएफ कितना है? कहोगे सर एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना है? कहोगे सर एचसीएफ हमारा 12 है। अगर एचसीएफ मेरे भाई 12 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर बेटे 12A होगा। अच्छा सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर हमारा 12B होगा। क्या फर्स्ट नंबर क्या होगा? 12A, और सेकंड नंबर क्या होगा? 12B। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछूं, फर्स्ट नंबर 12A है, सेकंड नंबर 12B है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा? तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना होगा? 12 होगा इंटू ए होगा और इंटू बी होगा। भैया एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वो संख्या होगी जिसमें 12 भी अवेलेबल हो, ए भी अवेलेबल हो और बी भी अवेलेबल हो। तो 12AB आपका एलसीएम होगा, 12AB बच्चे आपका आंसर होगा। एलसीएम है कितना? कहोगे सर 720। बराबर कितना हो जाएगा? कहोगे सर 12AB, 12 × 72 60 बराबर किसके हो गया? कहोगे सर AB बराबर किसके हो गया? 60 के। अब AB की वैल्यू 60 के बराबर है, अगर AB की वैल्यू 60 के बराबर, तो ऐसे कौन कौन से पेयर पॉसिबल है? देखो
ए और बी 15 चौको 60 होता है, 15 गुणे 4 ये 60 होता है और ये को प्राइम नंबर है, 12 पंचे 60 होता है ये भी होता है, 12 पंचे 60 ये भी एक पेयर पॉसिबल है ओके। उसके बाद 10 छक्का 60 होता है, 10 और 6 नहीं ले सकते, 10 और 6 मैं नहीं ले सकता, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, 10 और 6 मैं नहीं ले सकता, तो कितने पेयर, केवल यही दो पेयर पॉसिबल है, कितने पेयर पॉसिबल है, केवल दो पेयर पॉसिबल है, केवल दो पेयर पॉसिबल है, ठीक है क्लियर। तीन कैसे हो गए, 20 तिहाई 60 नहीं ले सकते, या तो 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 10 छक्का 60, 10 छक्का 60 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वो को प्राइम नहीं, हमेशा को प्राइम नंबर लिया जाता है। अरे आप लोग जो कह रहे हैं कि सर 10 गुणे 6 लो ये भी 60 बराबर हो गया, 20 गुणे 3 लो 20 तिहाई 60, हाँ एक ये भी तो पॉसिबल है, 20 और 3 भी पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल नहीं, 20 तिहाई 60 ये भी तो को प्राइम है, ये भी को प्राइम है बेटे एक दूसरे के, कितने हो गए तीन, कितने पॉसिबल है, तीन पॉसिबल है, कितने, हाँ 20 तिहाई 60 बिल्कुल करेक्ट है, 20 तिहाई 60 बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेटर के 20 मैचों के औसत कितना, 35 रन है भैया, 20 मैचों का औसत कितना है, 35 रन है, ठीक है, पहले 12 मैचों का औसत कितना है, 45 है, और अंतिम 8 मैचों का औसत ज्ञात करने को कहा गया है, बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर है जिसके जिसने 20 मैच खेले और औसत कितना है, 35 रन है, अगर 20 मैच के औसत 35 रन है तो भाई देखो करने का तरीका क्या होता है, 20 मैचों का औसत 35 है यानी कुल मिलाकर उसने टोटल कितने रन बनाए होंगे, आप बताओ, अगर 20 मैचों का औसत 35 है तो टोटल कितने होंगे, 20 गुणे 35 यानी 35 दुना 70 यानी कुल मिलाकर उसने 700 रन बनाए होंगे, कुल मिलाकर बच्चे उसने 700 रन बनाए होंगे, बोलो हाँ ना, पहले 12 मैचों का औसत कितना है, 45 है, तो पहले 12 मैचों का औसत 45 होने का मतलब है कि 12 मैचों का योग कितना होगा, 12 मैचेस का, 12 मैचेस का सम कितना होगा, 12 पंचे 60 यानी 0 कैरी कितना होगा, 6, 12 चौको 48 और 6 कितना होगा, 54, 540, तो 12 मैचेस का योग कितना होगा, 540, यानी अगर मैं 700 में से ये 540 हटा दूं, अगर मैं 700 में से ये 540 हटा दूं तो मुझे अंतिम 8 संख्याओं, अंतिम 8 मैचों का औसत प्राज्ञात होगा, अंतिम 8 मैचों का क्या होगा, योग ज्ञात हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो अंतिम 8 का सम कितना होगा, अंतिम 8 का सम कितना होगा जरा बताओ, 700 माइनस कर दो 540 यानी कितना होगा, 0, 10 में से 4 गया कितना, 6, 160, योग कितना, 160, तो एवरेज कितना होगा, 160 डिवाइडेड बाई 8, 8 दुनी 16 यानी 20 होगा, क्लियर बोलो हाँ ना, एक एक स्टेप क्लियर, एक एक स्टेप क्लियर हो गई, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बच्चे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे तीन बार इस क्रम में बजती है, तो एक दिन में कितनी बार बजेगी, एक दिन में कितनी बार बजेगी बताओ, एक घड़ी है जो 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे तीन बार इस तरीके से बजती है, तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी। देखो अगर 1 बजे एक बार बजी तो 2 बजे कितनी बार, 2 बार बजेगी, 3 बजे कितनी बार बजेगी, 3 बार बजेगी, और इस तरीके से डॉट 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 12 बजे 12 बार बजेगी, ये 12 घंटे का कैलकुलेशन हो गया, 1 बजे एक बार, 2 बजे दो बार, 3 बजे तीन बार, और इस तरीके से 12 बजे 12 बार बजेगी, तो अगर मैं इसका योग निकालूं कितना आएगा, सम कितना होगा बताओ, सम निकालने का तरीका होता है n n+1 डिवाइडेड बाई 2, n कितना है कहोगे सर, 12 और एक कितना हो गया, अगर मैं देखूं 12 और एक कितना होगा कहोगे सर, 12 और एक कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल कर दें, 6 13 छंग 78 78 यानी 12 घंटे में कितनी बार बच चुकी, 12 घंटे में 78 बार बच चुकी है। अच्छा 12 घंटे में 78 बार है तो एक दिन में कितनी बार बजेगी, एक दिन में
भाई देखो, अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में 12-12 घंटे के दो चक्कर लगते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं तो 12 और फिर 12 यानी दो बार बजेंगे, यानी 78 × 2 तो 24 घंटे में कितनी बार बज गई, 2, 8, 16, 14, 1, 15 156 टाइम बजेगी। तो एक घंटे में, सॉरी एक दिन में कितनी बार 156 टाइम बजेगी, क्लियर, 156 टाइम्स बजेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अभी स्टार्ट तो किया नहीं, हाँ चलो चलिए दोस्तों, चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए 55 पर 49 55 बच्चे की मैं इधर करूँ तो तू फिर, चलो देखो ध्यान से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसकी एक मैंने ट्रिक सिखाई है आपको, इसकी मैंने एक ट्रिक सिखाई है, वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे 15 और 16 तो अंतर कितने का, एक का है, 19 और 20 अंतर कितने का, एक का है, यहाँ 24 और 25 अंतर कितने का, एक का है, और 13 और 14 अंतर कितने का, एक का, बेसिकली डिफरेंस कैसा, सेम है। देखो यहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम डिफरेंस, यहाँ सेम और यहाँ पर भी सेम, सभी जगह डिफरेंस कैसा, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है हमसे क्या कह रहा है सर, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, क्या कह रहा है सर हमसे, कह रहा कि ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन वो होता है माय डियर स्टूडेंट जिसका अंश, अगर डिफरेंस बराबर है तो जिसका अंश क्या है, जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है, सबसे बड़ा अंश क्या है 24, तो 24/25 क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है, क्लियर कि नहीं क्लियर, 24/25 यानी कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलिए अगला करिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों तो आपके अमित सर यहाँ पर आ चुके हैं कुछ आपसे डिस्कशन के लिए। तो बच्चे नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, 2832 लोग अभी वाह वाह एकदम ताबड़तोड़ इसे 3000 के ऊपर पहुंचाओ भाई, अभी तो समय बचा है। कि नीचे आ गए नालायक हो गए, ये नालायक हो गए, नहीं नहीं नालायक नहीं सर, हमारे बच्चे हैं, एकदम जल्दी से इसे बढ़ाइए। और सर देखिए कितनी मतलब इतनी तो मतलब आप कहते हो ना कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, सर तो इतने एकदम आराम आराम से एक एक बात एक एक अल्फाज लिखते हैं। बेटा आज एक अनाउंसमेंट के लिए साथ मैं जुड़ा हूँ अक्षय सर के साथ। बेटा देखो पहले तो तुम्हारे ट्रिपल ए से अब 4A का कॉम्बो पूरा हो चुका है, है ना, अतुल आशुतोष अक्षय और अमित का ये ट्रॉम्बो नहीं क्वाड्रॉम्बो पूरा हो चुका है, तो आज 4 कदम, हाँ 4 कदम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा देखो आज आपकी 9 से 10 की साइंस की शो तो चलेगी, वो चलती रहेगी, वो आप बाद में भी देख सकते हो। आज बस मेरे रिक्वेस्ट पे मैं कहूंगा कि चंदन सर जो कि हमारे बिहार अड्डा पे पढ़ाते हैं, आज आप सबके लिए 12 घंटे की दौड़ 12 घंटे की मैराथन रखे हैं, तो आज सारे बच्चे उनके चैनल पे भी जरूर शिफ्ट हो जाइएगा, एक बार उनको भी वाहवाही थोड़ी सी मोटिवेशन थोड़ा सा रेस्पेक्ट जरूर दिखाना है, ताकि वो लगातार 12 घंटे आप सबके लिए भी आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ कुछ जरूर कर पाए। बस इसी के लिए मैं आया था, और बाकी आपकी क्लास आज बंद नहीं है, क्लास जरूर चलेगी 9 से 10 बिल्कुल क्लास चलेगी। थैंक यू सर। एंड दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि 12 घंटे आपके चंदन सर आज बिहार अड्डा पे ले रहे हैं, तो सभी लोग इस क्लास के बाद सीधे बिहार अड्डा पर मूव करेंगे, बिहार अड्डा पर मूव करेंगे, ठीक है। सॉरी ये तो 21 हो गया, चलिए अब बात मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, टाइमर आपका स्टार्ट, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 पर मूव करते बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल प्राप्त होता है, 1, 2 और 3 शेषफल प्राप्त होता है, मतलब जब 4 से डिवाइड करते हो, तो को करने का तरीका, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 शेषफल प्राप्त हो रहा है, जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 शेषफल आ रहा है यानी अंतर कितने का, 3 का है, 5 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 शेषफल आ रहा है यानी अंतर कितने का है, कहोगे सर 3 का है, जब 6 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 शेषफल आ रहा है, 6 से 3 डिवाइड करने पर 3 शेषफल यानी अंतर क्या है, 3 का, यहां पर भी अंतर 3 है, यहां पर भी अंतर 3 है, और यहां पर भी अंतर क्या है, 3 है। अब करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखो, जैसे 4 है, 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2×2 में, अब 6 को, अब देखो 5 को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब होता है 2×3, तो 2 पहले से केवल 3 को ले, 3×5=15, 2×3=30, 2×7=60, 60 क्या है, 60 मेरे भाई वो संख्या है, 60 वो संख्या है जो 4, 5, 6 से कट जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमको क्रमशः 1, 2, 3 शेषफल चाहिए, तो जो संख्या होती है वो क्या होती है, जो संख्या होती है वो क्या होती है, एलसीएम माइनस कर देते हैं डिफरेंस यानी 57, ये आंसर आएगा। और कुछ लोग जो 63 वाले थे ना, वो लोग सुधरे
चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलिए जल्दी जल्दी लाइक शेयर करते हुए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइए, कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट। हाँ तो देखो दोस्तों आप लोगों से एक और शख्स से मुलाकात करानी है, सर आइए प्लीज। दोस्तों ये हमारे चंदन सर हैं और चंदन सर करते हैं आपका अभिनंदन। तो सभी बच्चों को सबसे पहले तो राधे राधे बच्चों, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसा आप लोगों ने पिछले 4 दिसंबर को पूरी रात पूरी क्लास करी है ना, मैथ्स मैराथन हम लेके चले थे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, पूरी रात पूरी क्लास जिसमें हम लोग 24-25 टॉपिक पे चर्चा किए थे। बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर रिमेनिंग बचे चैप्टर को भी कराया जाए सर, तो जितना जल्द से जल्द हो सका मैं रिमेनिंग बचे चैप्टर को लेके आया हूँ, और साथ ही साथ कुछ नए उम्दा लेवल के सवाल जो कि आप परीक्षा में बराबर देखते होंगे उस टाइप का सवाल। तो आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं पूरी रात फिर होगी पूरी क्लास बिहार अड्डा 24/7 पे, तो सभी लोग ये इस क्लास को भी कर लीजिए, और इस क्लास को करने के बाद सभी लोग वहां पे आ जाइएगा, सभी लोग वहां पे आ जाइएगा। मैं आपसे एक ही चीज का वादा करूंगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समय की कीमत होती है बच्चों, और समय की कीमत को समझते हुए मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आया हूं है ना, और वो सारे कंटेंट अक्षय सर के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं, तो सभी लोग जल्दी जरूर पहुंचिएगा, सभी लोग जरूर पहुंचिएगा। बस एक ही चीज हम कहेंगे बच्चों कि सर आपसे ज्यादा इस बार हम हैं तैयार, क्या आप हैं तैयार पूछता है आपसे अड्डा 24/7 बिहार। अरे सर इस बार हम हैं तैयार जी, तो सभी लोग आइए, सभी लोग आइए, पहले सर की क्लास कर लीजिए और उसके बाद तुरंत पहुंचिए वहां पे है ना, हमें आप लोगों का इंतजार रहेगा है ना सर। सर 55 हो गया, आप स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए, बिल्कुल बच्चे आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो आपको पता है कि आपके चंदन सर आपके लिए 12 घंटे क्लास लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, टाइमर आपका स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 टाइमर बच्चे आपका स्टार्ट, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिन में एक तालाब की खुदाई कर सकते, तो 32 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे काम करके 2 समान तालाबों को 20 दिनों में खोदेंगे। ठीक है 20 दिन में खोदेंगे, देखो सबसे पहले देखो, पहले तो देखो 30 आदमी है जो प्रतिदिन आठ घंटे काम करते हैं, प्रतिदिन 30 आदमी है जो कि प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, और 16 दिनों में एक तालाब, 8 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन और 16 दिनों तक काम करते रहे और एक तालाब खोदकर तैयार कर दिया। अब देखो आगे आगे बच्चों, तो 6 आवर्स कैसे कर रहे हो यार आप लोग आंसर, चलो देखते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है कि अब 32 आदमी आ चुके हैं, कितने आदमी आ चुके हैं 32 आदमी आ चुके हैं, जो कि कह रहा है कि प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, प्रतिदिन कितने घंटे मान लो एच आवर्स लिख दिया, और 20 दिनों तक काम करते रहें तो उन्हें कितना काम करना है, उन्हें जो काम करना है वो 2 तालाब खोदने, यानी यहां पर जो काम है दोगुना हो गया है, जितना काम यहां पर था उससे दोगुना काम यहां पर हो चुका है, यहां पर काम कितना हो चुका है दोगुना हो चुका है बच्चे, यहां पर काम कितना हो गया दोगुना हो गया। तो भाई सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया यानी कितना हो गया 16, ये 16 इससे कैंसिल कर दिया, अगर मैं 4 से कैंसिल कर दूं तो 4 × 2 = 8 और 4 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा 5 और 5 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा 5×6 = 30 और 6 × 2 कितना होगा 12, 12 आवर्स पर डे, 12 आवर्स पर डे, 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, 12 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 अब बताइए, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime numbers इज 675, फाइंड द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा बताइए, एलसीएम क्या आएगा बताओ। देखो जैसे बच्चों मैं 2 co-prime numbers की बात करता हूं, जैसे ही मैं 2 co-prime numbers की बात करता हूं, ध्यान से देखो, जैसे ए और बी, ए और बी दो क्या है को प्राइम नंबर है, 2 co-prime numbers है ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो इनका जो एलसीएम होता है को प्राइम नंबर्स का हमेशा ए इंटू बी होता है, अच्छा ए इंटू बी होता है, एचसीएफ कितना होता है, एचसीएफ हमेशा 1 होता है,
HCF क्या होता है? हमेशा एक होता है। दो को प्राइम नंबर है तो इनका जो LCM होता है वो हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई होता है, और HCF हमेशा बच्चे क्या होता है? एक होता है, ठीक है। तो LCM अगर प्रोडक्ट कितना है, अगर प्रोडक्ट कितना है 675 है, तो LCM भी कितना होगा? 675 होगा। अगर कह देता सर HCF कितना आएगा, तो HCF एक हो जाता, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो 675 ही आएगा, 675 ही आएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल कितना होगा जल्दी बताइए, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, देखो देखो, जैसे बच्चे मैंने आपसे कहा दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, ठीक है, ए और बी, ए और बी दो संख्याएं, तो इनका जो मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है तो अंडर रूट ए बी होता है। अच्छा, ये एक तो ये हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ये पूरा होता है। अगर दो संख्याएं हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक है। अब हमसे कह रहा कि सर मध्यानुपाती क्या होगा, यानी मीन प्रोपोर्शनल बच्चे क्या होगा, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा? अंडर रूट 121 इंटू 169, रूट से बाहर आ गया कितना हो गया 11 गुणे 13, तो 13 एकम 13 कैरी 1 हो गया, सॉरी 13 एकम 13 कैरी कितना हो गया 1 हो गया, 13 एकम 13 एक 13 14, 143 आपका आंसर आएगा, 143 आपका बच्चे आंसर आएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चले 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 चले, बहुत बहुत शानदार। चलिए इसी के साथ बच्चों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये आपका फिगर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि एंगल ई ओ एफ की वैल्यू क्या होगी, ई ओ एफ इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी बताइए, ई ओ एफ इस वाले की वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे करेंगे, देखो आप सब जानते हैं ये अगर 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री तो बेटे ये भी इतना भी 40 डिग्री होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, बोलो हाँ ना? क्यों? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब देखो अगर ये 125 है तो बताओ ये कितना होगा पहले, अगर ये 125 है मेरे भाई, ये 125 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये 125 है, तो बताओ ये कितना होगा, इतना कितना होगा? तो कहोगे सर ये हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180 डिग्री। भाई देखो 5 और 2 कितना, 5 5 10, 5 2 7 1 8, बिल्कुल। अगर ये 55 डिग्री है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा, ये भी 55 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है कि एंगल ई ओ एफ किसके बराबर होगा, ई ओ एफ किसके बराबर होगा, 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री के बराबर होगा, तो यानी कितना हो गया 5 और 5 4 9 95 डिग्री के बराबर हो गया, 95 डिग्री के बराबर हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए नेक्स्ट, तो ये आपका अभी हम और करा देते थोड़े क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल प्राप्त होता, उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। एक संख्या है, सोचो एक संख्या n है, एक संख्या बच्चे n है, इस संख्या को जब आप किससे डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है वो प्लस का 4 मिलता है। कह रहा इस संख्या के वर्ग को, तो इस संख्या का वर्ग होगा n इंटू n, इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो भाई देखो जब मैं पहले n को, जब मैं पहले इस वाले n को 7 से डिवाइड करूंगा तो 4 से शेषफल प्राप्त होगा, इस वाले n को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो भी 4 से शेषफल प्राप्त होगा। तो बीच में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लाई 4 गुणे 4 कितना होगा 16। आपने किसी अगर आप किसी नंबर को 7 से डिवाइड करें क्या 16 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं। तो इसको एक बार और डिवाइड कर दो 7 से, 7 दूनी 14 यानी कितना आ गया 2, 2 मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर आएगा, 2 इज योर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
साइन थीटा अपॉन एक्स कॉस थीटा अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी गई, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे? बस इसके बाद ये हो जाए। चलो देखो, अगर मैं बात करता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कॉस थीटा को अगर मैं नीचे ले आऊँ तो क्या बच्चे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, एक्स अपॉन वाई। क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक फिगर ड्रॉ कर दिया, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो होगा कि नहीं होगा, कहोगे सर बिल्कुल। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब के सम बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूं, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं कितना जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन नन ऑफ दीज इसमें आंसर आएगा। चलिए इसी के साथ ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ होमवर्क में, ये क्वेश्चन बच्चे मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। सभी स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको पता है कि ये मैथ की क्लास फिनिश हो गई है और इसके तुरंत बाद आपकी, अगर मैं बात करूँ तो, हाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बिहार, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे और अतुल सर के आने का एक बहुत बड़ा रीज़न था, और रीज़न ये है कि बिहार अड्डा 247 पे आज अतुल सर ने भी रिक्वेस्ट किया, मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट किया और सर ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई बिहार अड्डा पे चंदन सर आज 12 घंटे की मैथमेटिक्स की मैराथन लेने जा रहे हैं, तो बाकी सर आप बताएं। बिल्कुल, देखो 12 घंटे की मैराथन, एक फैकल्टी आशुतोष सर, आदरणीय अक्षय सर बहुत मेहनत करता है सर, और हम लोगों की मेहनत तब सफल होती है, कहते हैं कि हम अगर कर रहे हैं तो बस आप देखिए सुनिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होती है, और हम बड़े खुश होते हैं कि आप इतने लोग हो। आदरणीय अक्षय सर आज इस समय मेंस पढ़ा रहे हैं, 500-600 बच्चा एकदम उसे लगातार देख रहा है, क्योंकि मेंस पढ़ने वाले कम लोग हैं, लेकिन हम लोग पूरा, आप सोचो 12 घंटे आपको लगातार आपकी मैराथन चल रही है, तो बस आपको एक काम करना है, जितने भी लोग हो भैया, जो लोग भी इस समय प्रणाम की मुद्रा में हो, खुश रहो भैया, मस्त रहो, लेकिन अभी बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब पे लिखना, बिहार अड्डा 24/7, और वहां पे बिहारी बाबू की चल रही है 12 घंटे की मैराथन। कमेंट में वाला लिंक पिन कर दीजिए, हाँ तो वो वीडियो का लिंक पिन कर दीजिए, यहाँ से नहीं, वहीं आप जल्दी डाल दीजिए, वहाँ तुमसे कह दीजिए सर, चैट बॉक्स पे पिन कर देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे बिहार बाबू की चल रही है मैराथन, और आज सारी रात वो पढ़ाएंगे, और अगर मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर तुम मेरे ऊपर इतना सा भी भरोसा करते हो, हम तीनों पे अगर जरा सा भी भरोसा करते हो, तो आज केवल कहा मान लो, आशुतोष सर भी इसीलिए आए, मैं भी इसीलिए आया अक्षय सर की क्लास में, कि भैया सारे लोग, जबकि सर मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन सबका ये होता है ना कि हम लोग हमेशा एक दूसरे, हम लोग मतलब एक बाउंडिंग जो होती है कि अगर आज कोई 12 घंटा दे रहा है तो आप जाइए सुनिए, तो जितने भी लोग यहां पे हो, सभी लोग बिहार अड्डा पे 12 घंटे की मैथ्स चल रही है, 12 घंटे लगातार, तो जब तक तुम्हारी तथा हो, जब तक तुम देख सको, तब तक वहां पे तुरंत पहुंच जाओ, वहां पे आज सारी रात। एक रिक्वेस्ट है कि अभी तो हम लोग एसएससी अड्डा पे लाइव हैं, लेकिन हम लोग यहां से वीडियो को एंड करेंगे, और सब के सब हम तीनों ए, अतुल, अक्षय, आशुतोष और अमित सर भी, चारों ए हम पहुंचे रहेंगे स्टूडियो नंबर 2-3 जो हम लोग का है बिहार अड्डा चैनल पे, हम लोग अभी से एक मिनट बाद बिल्कुल तीन के तीनों लोग लाइव होने जा रहे हैं, ठीक है ना। और आपको एक पिन किया हुआ मिलेगा ऊपर, देखना नीले पट्टी पे, उस पर लिंक रहेगी, अभी वो कर दिया जाएगा, अभी वो किया जा रहा है, 10-20 सेकंड लग सकते हैं। मैं इन लोगों को बोलता भी हूँ कि चैनल अलग अलग है लेकिन स्टूडियो अगल बगल है, तो अभी स्टूडियो अगल बगल है, हम सब वहां पे अभी जाएंगे, हम सब भी अभी उनको प्रोत्साहित करेंगे कि सर आप 12 घंटे आने जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो आप सभी को बिहार अड्डा 247 पे सभी लोगों को जाना है, सभी लोग, जितने भी लोग, बिल्कुल सभी लोग। और यार हम लोग चल रहे हैं बिहार अड्डा चैनल पे, ठीक है ना, तो प्लीज जितने भी यहाँ पे 2300-2400 लड़के हैं यार, सब के सब लोग एक बार हम तीनों के लिए
आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार चंदन सर की क्लास में आओ। और सर आप, हम दोनों चले चंदन सर की क्लास में। बिल्कुल सर, आप स्टूडेंट्स को लेकर एंड करके आप एंड करके आएंगे, वो लिंक मैं लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सर जरा थोड़ा सा लिंक पिन करा दी जल्दी जल्दी। तो दोस्तों ये क्लास तो आप लोगों को जैसा कि आपको मालूम पड़ गया कि चंदन सर 12 घंटे की क्लास ले रहे हैं। चंदन सर आपके भैया 12 घंटे लगातार क्लास ले रहे हैं, तो एक कितना फैकल्टी अगर 12 घंटे खड़ा भी है, अगर मैं आपसे कह दूं 12 घंटे कहीं बैठे रहो, खड़े होने की बात अलग कि 12 घंटे बैठे रहो, तो आप 12 घंटे बैठ नहीं पाएंगे मेरे भाई। तो एक फैकल्टी 12 घंटे अगर कहते हैं लेक्चर ले रही, तो अपने आप को बहुत मतलब स्ट्रांग करना पड़ता है, अपने मन से उस चीज़ को बहुत बड़ा स्ट्रांग करना पड़ता है। तो सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग मेरे भाई ये क्लास जो से आपको देख रहा पिन वो कमेंट पिन कर रहा होगा, तो कमेंट पे क्लिक करके आप लोग सीधे सीधे बिहार अड्डा 24/7 पर मूव कर जाएंगे, वहाँ पर मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। ये बच्चे आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्या है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है ये, तो सभी लोग करके लाएंगे, ठीक है, करके लाएंगे, ठीक है। अच्छा जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, सभी लोग जरा जल्दी से सुन लीजिए। ये मेरे भाई ये आपका क्या है, ये मेरे भाई आपका पराक्रम बैच है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और आपका दर्द मैथ है, तो आपके मैथ के कहते गणित के सभी दर्दों का निवारण आपको इस वीडियो में मिलने वाला, इस बैच में मिलने वाला है। तो तुरंत का तुरंत, ठीक है, कहते तुरंत से पहले जाके इस बैच को, पराक्रम बैच को जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोड क्या है, Y170 है। कहाँ से मिलेगा ये बैच, आपको मिल जाएगा अड्डा 247.com और अड्डा ऐप पर विजिट करके। कोड याद रखना क्या, Y170 है। तो तुरंत का तुरंत जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तुरंत का तुरंत जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट के अंदर, जैसे अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, लिंक पिन है, लिंक डाल दीजिए, लगातार लिंक आपको मिल गया होगा इस पर, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे के सीधे जब तुरंत मैं चल रहा हूँ यहाँ पर, अभी भी 1750 लोग देख रहे हैं मुझे, 1750 लोग एक बार जल्दी से 1750 लोग अभी भी लाइव है मेरे भाई, जल्दी से बिहार अड्डा पर मूव करो और देख, और वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताओ कि सर हम आ चुके हैं, सर हम आ चुके हैं, जल्दी से जल्दी सभी लोग मुझे बताएंगे बिहार अड्डा पे मूव करके, सर हम आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे अक्षय सर आपने भेजा था, अक्षय सर आपने भेजा था, ये कमेंट आप लोग वहां पे करके बताएंगे, जल्दी से मूव करिए सभी लोग, जल्दी जल्दी मूव करिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं तक, मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद साथियों, सभी लोग जल्दी से मूव कर जाइए।